नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल पे। आज है 29 अगस्त 2022 और आज की पहली पाली का पेपर रेलवे ग्रुप डी का सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका है। सभी जीके जीएस मैथ और रीजनिंग के सटीक क्वेश्चन आज के इस वीडियो में कराए जाएंगे। अगर आपका पेपर आगे की शिफ्टों में लगा हुआ है तो आप सभी के लिए आज की वीडियो का एनालिसिस इंपॉर्टेंट होगा। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि गिरनार की पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित हैं। तो आपको बता दें इसका सही उत्तर है गुजरात। गिरनार की पहाड़ियाँ जो हैं ये आपकी गुजरात में स्थित हैं। गुजरात इसका राइट आंसर था। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन है। तो आपको बता दें इसका सही उत्तर था आशापूर्ण देवी। आशापूर्ण देवी जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला थी। राइट आंसर आशापूर्ण देवी। अगला क्वेश्चन, पहला क्रिकेट विश्व कप कब हुआ था और इसको किसने जीता था। आपको बता दें सही आंसर था 1975। पहला क्रिकेट विश्व कप जो है ये 1975 में हुआ था। किसके बीच में हुआ था और किसने जीता था ये आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें, ठीक है। पहला विश्व कप कब हुआ था, 1975 में हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है एक देशांतर के बीच की दूरी कितनी होती है। तो आपको बता दें इसका सही उत्तर है 111 किलोमीटर। 111 किलोमीटर जो है एक देशांतर के बीच की दूरी होती है 111 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है हीरे की खान सबसे ज़्यादा कहाँ पर है। देखिए हीरे की खान कई देशों में है, कई जगहों पर हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा खाने हीरे की कहाँ पर हैं। तो आपको बता दें किम्बरले इसका सही उत्तर है। किम्बरले में हीरे की खान सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं। किम्बरले इसका सही उत्तर है। जैन धर्म में जीन का अर्थ क्या होता है। जैन धर्म में जो है जीन का अर्थ क्या होता है। तो आपको बता दें इसका सही उत्तर, राइट आंसर बताना था तो इसका सही उत्तर है विजेता। जैन धर्म में जो है जीन का अर्थ होता है विजेता। विजेता इसका सही उत्तर था, राइट आंसर था विजेता। अगला क्वेश्चन है चौक लाऊ त्यौहार कहाँ मनाया जाता है। चौक लाऊ त्यौहार आपका जो है ये कहाँ मनाया जाता है। तो दोस्तों आपको बता दें अरुणाचल प्रदेश इसका राइट आंसर है। अरुणाचल प्रदेश का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नोवाक जोकोविच किस देश में स्थित है। तो आपको बता दें सर्बिया इसका राइट आंसर है। नोवाक जोकोविच जो है ये सर्बिया देश में स्थित है। सर्बिया इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। जिप्सन को गर्म करने पर क्या मिलता है। जिप्सन को जब गर्म किया जाता है तो क्या मिलता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। जिप्सन को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलता है। राफेल नडाल किस देश से संबंधित है। तो आपको बता दें स्पेन से। स्पेनिश इसका सही उत्तर था, राइट आंसर था। तो अगला क्वेश्चन इस प्रकार से, भारत के संविधान का ढांचा तैयार करने के लिए संघीय व्यवस्था की योजना किस देश से ली गई है। तो आपको बता दें संघीय व्यवस्था की जो योजना है ये आपकी स्विट्जरलैंड से ली गई है। स्विट्जरलैंड इसका सही उत्तर हो जाएगा। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि भारत का संविधान तैयार करने में कई देशों से, कई जो आप लोगों की व्यवस्थाएं हैं वो ली गई हैं, कहीं से संघीय कहीं से कानूनी है। तो इस प्रकार से जो संघीय व्यवस्था है ये आपकी स्विट्जरलैंड से ली गई थी। अगला क्वेश्चन है फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है। तो आपको बता दें इसका सही उत्तर है एसिटिलीन इसका राइट आंसर है। फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 3 बीघा कॉरिडोर किसको जोड़ता है। तो आपको बता दें इसका सही उत्तर है बांग्लादेश और भारत को। 3 बीघा कॉरिडोर जो है ये बांग्लादेश और भारत को आपस में जोड़ता है, और बांग्लादेश को पूर्वी पाकिस्तान भी कहा जाता है। बांग्लादेश जो है एक अलग देश है, भारत से ये अलग हो चुका है अब। अगला क्वेश्चन है किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने को पुलित्ज़र पुरस्कार के लिए मान्यता दी गई है। आपको बता दें साहित्य और पत्रकारिता के क्षेत्र में अगर आप उत्कृष्ट कार्य करते हैं तो वहाँ पे आपको पुलित्ज़र पुरस्कार से नवाजा जाता है। सही उत्तर साहित्य और पत्रकारिता हो जाएगा। चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसने कराया था। तो दोस्तों आपको बता दें इसका सही उत्तर है राणा कुंभा के द्वारा चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण कराया गया था। राणा कुंभा इसका सही उत्तर हो जाएगा। इस वर्ष राजीव गांधी खेल रत्न जो अवार्ड है कितने लोगों को दिया गया है, कमेंट में आंसर करें। सोनिया लाथर किस खेल से संबंधित हैं। तो आपको बता दें इसका सही उत्तर है मुक्केबाजी से संबंधित हैं। सोनिया लाथर जो है ये मुक्केबाजी से संबंधित हैं। उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय किस जिले में है। तो प्रयागराज इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ग्राम सभा का सदस्य बनने के लिए
न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो दोस्तों आपको बता दें, ग्राम सभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट, सौर मंडल के सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस तरह घूमते हैं? तो आपको बता दें, सूर्य के चारों ओर एक दीर्घ वृत्ताकार पथ में रहते हैं। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? दीर्घ वृत्ताकार पथ इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो आपको बता दें, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है यकृत होती है। यकृत इसका राइट आंसर हो जाएगा। ड्रैगन सीट किताब जो है ये किसने लिखी गई है? तो आपको बता दें, इसका सही उत्तर है पर्ल एस बक। पर्ल एस बक के द्वारा ड्रैगन सीट किताब लिखी गई है। कंप्यूटर के रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आपको बता दें, RAM। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा रैंडम एक्सेस मेमोरी। और आप लोगों को कई बार देखा भी होगा, आप लोगों ने ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा चुका है, किस भारतीय पत्रकार को मैग्सेसे अवार्ड दिया गया है? तो NTTV के जो है रवीश कुमार, इन्हीं को दिया गया है मैग्सेसे अवार्ड। और आपको जैसा कि पता होगा कि अब NDTV जो है बिक चुका है अडानी के द्वारा। ठीक है, तो अडानी के द्वारा खरीद लिया गया है NDTV, और रवीश कुमार इसका सही मैग्सेसे अवार्ड जो है रवीश कुमार को दिया गया है। अर्थशास्त्र विषय में कितने लोगों को जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था अभी हाल ही में? तो यहाँ पे 3 लोगों को इसका सही उत्तर है। मिस इंडिया 2019 का खिताब सुमन रॉय ने जीता था, सही आंसर सुमन रॉय था। अगला क्वेश्चन, मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो आपको बता दें, तमिलनाडु इसका सही आंसर था, राइट आंसर था। व्यापारी विक्रय मूल्य पर 20% लाभ लेता है, और बोला है यहाँ पे वास्तविक लाभ क्या होगा? ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे SP बराबर में 20/100। ठीक है, और 20 एकम 20 और 20 5 100 पर प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि एक प्रॉफिट हो रहा है 5 रुपये अगर उसका SP जो है यानी सेलिंग प्राइस 5 रुपये है, तो उसमें से उसका एक जो है क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया एक। और यानी कि CP उसका जो आएगा, वो CP जो आएगा वो आपका आएगा 4। ठीक है, एक प्रॉफिट हो रहा है, टोटल 5 रुपये में बेच रहा है, और यहाँ पे यानी कि उसका CP कॉस्ट प्राइस जो होगा वो 4 होगा। अब यहाँ पे हमें पता चल गया कॉस्ट प्राइस 4 है, एक का लाभ हो रहा है 4 रुपये, गुणे 100 कर देंगे, 4 से काट देंगे, और यहाँ पे 25% आंसर आ जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है, आवो जनजाति किस राज्य से संबंधित है? तो आपको बता दें, इसका सही उत्तर है असम। असम इसका राइट आंसर है। इसके बाद काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकेडमी कहाँ पे है? तो आपको बता दें, इसका सही उत्तर है फुर्सतगंज उत्तर प्रदेश। इसका राइट आंसर हो जाएगा फुर्सतगंज उत्तर प्रदेश। इसके बाद अगला क्वेश्चन और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, किस राज्य में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का परसेंटेज सबसे ज़्यादा है? तो आपको बता दें, पंजाब इसका सही उत्तर था, राइट आंसर था पंजाब। तांबे की जो माइंस हैं ये कहाँ पर स्थित है? तो खेतली राजस्थान। राजस्थान के खेतली में तांबे की माइंस स्थित है। ठीक है, राजस्थान की खेतली इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन इस प्रकार से, एंजल फॉल्स किस देश में है? तो आपको बता दें, इसका सही उत्तर था वेनेजुएला। वेनेजुएला में जो है एंजल फॉल्स है, और यह दुनिया का सबसे ऊँचा जलप्रपात है, और इसकी ऊंचाई 979 मीटर है, या हम लोग इसको इस प्रकार से कह सकते हैं 3212 इसका फीट है। ठीक है, फीट में आपका 3212 है, और जबकि मीटर में 979 है। ठीक है, सरहुल किस राज्य का लोक नृत्य है? तो आपको बता दें, झारखंड इसका राइट आंसर था। सराउल जो है ये झारखंड का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है, तो सराउल जो हो जाएगा झारखंड इसका सही उत्तर हो जाएगा। इज़राइल में किस जाति की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो आपको बता दें, इसका सही उत्तर है यहूदी। इज़राइल में यहूदियों की संख्या सबसे ज़्यादा है, और यहाँ पे जो है राइट आंसर हो जाएगा यहूदी। इज़राइल में यहूदी जनजाति की जनसंख्या सबसे अधिक है। अगला क्वेश्चन है, दूसरी सर्वाधिक जनसंख्या किस महाद्वीप में स्थित है? तो आपको बता दें, अफ्रीका में। पहली एशिया में स्थित है, पहली सर्वाधिक जनसंख्या जो है एशिया महाद्वीप में स्थित है, जबकि अगर दूसरी पूछे तो दूसरी का आंसर है आप लोगों का अफ्रीका। अफ्रीका इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन, राष्ट्रीय महत्व के जितने भी हमारे जो स्थान है जो काफ़ी ज़्यादा राष्ट्रीय हैं, और जितनी भी राष्ट्रीय वस्तुएँ हैं, का संरक्षण किस अनुच्छेद में दिया गया? तो अनुच्छेद 49 में जो है राष्ट्रीय महत्व के संस्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण जो है इससे संबंधित जो नियम है वो दिए गए हैं अनुच्छेद 49 में। ठीक है, 49 में। किस राज्य का लिंगानुपात 1084 है? तो आपको बता दें, इसका सही उत्तर क्या था आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। किस राज्य का लिंगानुपात 1084? केरल इसका सही आंसर है। केरल का जो है लिंगानुपात 1084 है। कौन सी नदी अरावली से निकलती तक कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती? तो लूनी नदी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। लूनी नदी अरावली से निकलती तथा कच्छ के रण में जो है विलुप्त हो जाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ, मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं? तो आपको बता दें, USA इसका सही उत्तर हो जाएगा। USA इसका राइट आंसर हो जाएगा। मौलिक जो अधिकार हैं ये आपके
यूएसए से लिए गए हैं। कुछ ना कुछ, जैसा कि आपको पता है, अपना जो देश का संविधान है, सभी देशों के संविधान से कुछ ना कुछ लेकर यहाँ पे अपना एक काफ़ी बड़ा संविधान तैयार किया गया था, और सही आंसर इसका यूएसए हो जाएगा, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है, कौन सी धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? तो बता दें, सोडियम पोटेशियम इसका राइट आंसर है। सोडियम और पोटेशियम को जो है आसानी से चाकू से काटा जा सकता है, सोडियम और पोटेशियम इसका सही उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चिनूक किस देश में बहने वाली एक काफ़ी हवा है, ठीक है, काफ़ी शुद्ध हवा होती है। चिनूक जो है ये आपकी राष्ट्र संयुक्त राज्य अमेरिका में बहने वाली काफ़ी शुद्ध हवा होती है। और राज्यसभा का प्रधान सभापति कौन होता है? तो दोस्तों आपको बता दें, इसका सही उत्तर है उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति इसका राइट आंसर हो जाएगा। राज्यसभा का प्रधान सभापति जो होता है ये आपका उपराष्ट्रपति होता है। और जितने भी क्वेश्चन आपको करवाए जा रहे हैं सभी आपको हमारे एकमात्र टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध कराए जाएंगे। आज ही जाइए टेलीग्राम पर, सर्च करिए सरकारी जॉब विद अभय, सरकारी जॉब विद अभय, आप लोग टेलीग्राम पर जाके सर्च करेंगे, आप लोगों का आराम से टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। अभी तक बात करें तो टेलीग्राम पर भी 13,500 से भी ज़्यादा छात्र, रेलवे ग्रुप डी के छात्र हमारे साथ ज्वाइन हो चुके हैं। चकमा शरणार्थी कौन से देश से आए थे? तो आपको बता दें, चकमा जो शरणार्थी थे ये बांग्लादेश से आए थे। बांग्लादेश को जो है जो पहले कहा जाता था पूर्वी पाकिस्तान, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, खेलो नर्सरी योजना कहाँ पर प्रारंभ हुई थी? तो आपको बता दें, इसका सही उत्तर था हरियाणा। हरियाणा इसका राइट आंसर है। खेलो नर्सरी योजना जो है ये आपकी हरियाणा में शुरू की गई थी। अगला, यदि a+b बराबर यहाँ पे दिया था 8 और बराबर दिया था यहाँ पे 12, इसके बाद पूछा था a और b का मान पूछा था, ठीक है, a और b का मान पूछा था। और यहाँ पे आप लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि आप लोगों को a और b का मान यहाँ पे निकालना है। तो यहाँ पे आप लोग जैसा देख पा रहे होंगे 8 क्या होता है, 4 4 8 होता है, जो कि होगा नहीं, ठीक है। 4 4 12 होता है, 4 3 7 होता है। तो इस प्रकार से आप लोगों को a और b का मान निकालना है। कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले आप लोग a माइनस बी का मान निकालेंगे, ठीक है, a माइनस बी का निकालेंगे। और a प्लस बी का दिया हुआ है तो b से b कैंसिल हो जाएगा, a का मान आ जाएगा। तो a माइनस बी का मान हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? तो a माइनस बी का मान हम लोग यहाँ से निकालेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। और a b का मान दिया हुआ है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मान नहीं दिया हुआ है, तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे? a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। इसमें भी ab का मान मिल जाएगा, a प्लस b का मान मिल जाएगा, यहाँ से इसका मान निकालेंगे, इसमें पुट करेंगे, यहाँ से हम लोग a माइनस बी का निकालेंगे, फिर हम लोग a का मान निकाल लेंगे।